रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ज़ूलॉजी बी का चैप्टर नंबर 1 का 5वां लेक्चर देखने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारे पास एनिमल सिस्टमैटिक्स, मतलब यह है कि क्लासिफिकेशन ही हम पढ़ रहे हैं, तो उनमें से एक अप्रोच जो है वो क्या है, एनिमल सिस्टमैटिक्स क्या है। ठीक है ना, एनिमल सिस्टमैटिक्स फॉलोइंग द ग्रुप यूज इन एनिमल क्लासिफिकेशन, मतलब फॉलोइंग ग्रुप्स जो हैं वो एनिमल क्लासिफिकेशन में क्या हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं। मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए गए हैं एनिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम में। पहला जो ग्रुप बनाया गया है वो क्या है, मोनोफिलेटिक ग्रुप बनाया गया है। अब मोनोफिलेटिक ग्रुप को कैसे डिफ़ाइन करते हैं हम, सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द ग्रुप शोइंग सिमिलैरिटीज़ ड्यू टू सिंगल इंसेस्टर आर कॉल्ड मोनोफिलेटिक ग्रुप्स, मतलब ऐसे तमाम ग्रुप्स जो क्या कहते हैं, सिमिलैरिटीज़ शो करें आपस में। आप सिमिलैरिटीज़ वो क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो इंसेस्टर्स हैं वो क्या हैं, कॉमन है, मतलब एक ही इंसेस्टर से क्या हुए हैं, सारे के सारे ओरिजिनेट हुए हैं। तो इस तरह की जो क्लासिफिकेशन है या जो ग्रुप बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मोनोफिलेटिक ग्रुप कहा जाता है। दिस क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन मोनोफिलेटिक ग्रुप्स इज़ कॉल्ड मोनोफिलेटिक क्लासिफिकेशन, मतलब ऐसी क्लासिफिकेशन जो मोनोफिलेटिक ग्रुप की बुनियाद पर हो उससे हम क्या कहते हैं, मोनोफिलेटिक क्लासिफिकेशन कहा जाता है। दिस क्लासिफिकेशन शो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, अब ये जो क्लासिफिकेशन है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो कर रही है, मतलब बताया जा रहा है कि ये मतलब जो सिमिलर ग्रुप्स हैं, अब सिमिलैरिटीज जो शो कर रहे हैं, मतलब इनका किसी ना किसी कोई या कोई ताल्लुक है उनके दरमियान, और वो ताल्लुक किस बुनियाद पर है, एवोल्यूशन की बुनियाद पर है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, सिमिलैरिटीज़ शो कर रहे हैं। द स्पीशीज शुड हैव सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीशी, ऑल द डिसेंडेंट्स शुड अराइज फ्राम द सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीशीज, मतलब जितने भी उसकी क्या है प्रोजीनी है या डॉटर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एक इंसेस्ट्रल ग्रुप से क्या हुए हैं, ओरिजिनेट हुए रहे हैं। अब जो टैक्सोनोमिस्ट हैं वो क्या करते हैं, करेक्टरिस्टिक को क्या कर रहे हैं, देखते हैं। अब करेक्टर एक जो करेक्टर है वो क्या होता है, अ करेक्टर इज़ एनी थिंग दैट हैज़ जेनेटिक बेसिस, मतलब एक करेक्टर जो क्या है कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी क्या है जेनेटिक बेसिस होती हैं, एंड कैन बी मेजर्ड फ्राम एनाटॉमिकल फीचर्स टू अ सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस इन DNA और RNA। अब एक जो करेक्टर है वो क्या है, ऐसा एक खसूसियत होती है जिसकी क्या होती है, जेनेटिक बेसिस होती है, और उसको जो उसकी जो एनाटॉमिकल नेचर उन्होंने डिस्क्राइब किया था किससे, सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। अब नाइट्रोजन बेसिस आपको पता है, एडिनिन, गवानिन, साइटोसिन, थायमिन, अगर RNA है तो थायमिन की जगह क्या होता है, यूरासिल होता है। ये सारे के सारे कोड्स करते हैं खास स्पेसिफिक करेक्टर को। अब एक जो करेक्टर है फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन के जो आई कलर है, ठीक है ना, ये क्या है, एक करेक्टर है जिसकी क्या है एनाटॉमिकल फीचर्स होती हैं, ठीक है ना, और वो एनाटॉमिकल फीचर किस तरह डिस्क्राइब की जाती है, ऑन द सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस विच आर प्रेजेंट ऑन द DNA और RNA। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा ग्रुप है, ठीक है ना, वो क्या है, पॉलीफिलेटिक ग्रुप है। और पॉलीफिलेटिक ग्रुप क्या होता है, द ग्रुप शोइंग द सिमिलैरिटीज बट हैव सेपरेट इंसेस्टर्स, ठीक है ना, ग्रुप हैविंग द सिमिलैरिटीज बट हैविंग द सेपरेट इंसेस्टर्स। इसका मतलब क्या है कि मुख्तलिफ ग्रुप जो हैं वो क्या कर रहे हैं, खसूसियात को, उनकी जो खसूसियात हैं वो क्या हैं, सेम हैं, लेकिन हर एक का जो इंसेस्टर्स हैं वो क्या हैं, अलग अलग हैं। ईच ग्रुप हैज़ अ सिंगल इंसेस्टर्स, द पॉलीफिलेटिक ग्रुप इंडिकेट इनसफिशिएंट नॉलेज ऑफ द ग्रुप, जो पॉलीफिलेटिक ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, इनसफिशिएंट नॉलेज को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास एक तीसरा ग्रुप है जिसे हम क्या कहते हैं, पैराफिलेटिक ग्रुप कहा जाता है। अब पैराफिलेटिक ग्रुप को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ग्रुप फॉर्म टेम्परेरली फॉर सम लीनिएज इज़ कॉल्ड पैराफिलेटिक, मतलब क्या है, हम कोई आर्जी तौर पर कोई ग्रुप बनाते हैं किसी खास लीनिएज के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, पैराफिलेटिक ग्रुप कहते हैं। अब पैराफिलेटिक ग्रुप आर फॉर्म ड्यू टू द इनसफिशिएंट नॉलेज ऑफ द ग्रुप, दीज ग्रुप्स आर फॉर्म टेम्परेरली, इट इनक्लूड सम मेंबर्स ऑफ द लीनिएज, मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये जो ग्रुप हैं टेम्परेरली बनाए जा रहे हैं, और इसके अंदर क्या है, जो पूरी एक लीनिएज है, पूरी एक नस्ल है, उसमें से कुछ मेम्बर्स को इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। आगे आपको डायग्राम से मज़ीद समझ आ जाएगी। ट्री डायग्राम बनाए गए हैं, जो पहला जो डायग्राम है वो क्या है, मोनोफिलेटिक ग्रुप को शो कर रहा है। अब यहाँ पर आपको मेंबर नज़र आ रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच और ए, ठीक है ना, इनमें से ई से लेकर एच तक ये सारे के सारे क्या हैं, एक ग्रुप है, और ये क्या कर रहे हैं, सिमिलर क्या सिमिलैरिटीज़ शो कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो इंसेस्टर्स है वो क्या है, कॉमन है, ठीक है ना। इस तरह जो आगे जो दिखाया गया है वो क्या क्या दिखाया गया है, पैराफिलेटिक ग्रुप दिखाया गया है, ए से लेकर एच है टोटल नंबर, लेकिन इसमें से जो क्या हैं बी सी डी ई एफ जी एच, ये सारे मतलब एक टेम्परेरी ग्रुप बना दिया गया है, बी से लेकर एच तक एक ग्रुप बना दिया गया है, मतलब ग्रुप के अंदर रहते हुए, ठीक है ना, एक टेम्परेरी ग्रुप बनाया गया है बी से लेकर एच तक, तो ये क्या कर रहा है, पैराफिलेटिक
ग्रुप है। इस तरह आगे फिर पॉलीफिलेटिक ग्रुपिंग दिखाई गई है। अब पॉलीफिलेटिक ग्रुपिंग कहाँ से स्टार्ट है, सी से लेकर एच तक। अब यहाँ पर मतलब जो मेंबर होंगे वो क्या होंगे, सी डी ई एफ और जी एच, ठीक है ना। मतलब अब मुख्तलिफ ग्रुप बनाएगा लेकिन हर एक के जो इंसेस्टर्स हैं वो क्या है, अलग अलग हैं। नीचे मजीद फिर एक्सप्लेनेशन दी गई है। तीन ग्रुप दिखाए गए, मोनोफिलेटिक ग्रुप, पैराफिलेटिक ग्रुप और पॉलीफिलेटिक ग्रुप। अब एक जो पहले जो लीन ये दिखाई गया है, इसके मेंबर जो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1 से लेकर 6 स्पीशीज हैव डिफरेंट एंसेस्टर्स देन स्पीशी ऑफ 7 एंड 8। असेंबलेज ऑफ स्पीशी 3 to 6 इज़ अ पैराफिलेटिक, ठीक है ना। अब इसमें से जब नज़र आ रही है 3 to 6 इज क्या, ये क्या है, पैराफिलेटिक है, बिकॉज 1 and 2 शेयर द सेम इंसेस्टर एज द 3 and 6, बट दे हैव बीन लेफ्ट आउट ऑफ द ग्रुप, ठीक है ना। 1 और 2 and 3 and 6 इनके इंसेस्टर क्या है, सेम है, लेकिन ये ग्रुप से आउट हैं, इसलिए ये क्या है, पैराफिलेटिक है। असेंबलेज ऑफ स्पीशी 1 to 6 इज मोनोफिलेटिक, ठीक है ना। इस तरह 1 से लेकर 6 तक ये क्या है, सारे सारे मोनोफिलेटिक हैं, इनका जो इंसेस्टर है कॉमन है, लेकिन जो 7 to 8 है इनका इंसेस्टर फिर अलग है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि 7 और 8 और 1 से 6 ये दो आपस में क्या है, पॉलीफिलेटिक है, क्योंकि इन दोनों के इंसेस्टर्स क्या हैं, सेपरेट हैं, लेकिन ये सारे सारे सिमिलैरिटीज़ शो कर रहे हैं, ठीक है ना। आई होप कि समझ आ गई होगी। उसके बाद है फिर टाइप्स ऑफ एनिमल सिस्टमैटिक्स। एनिमल सिस्टमैटिक्स की क्या बताई गई हैं, टाइप्स बताई गई हैं, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है इसके अंदर कुछ डिसएग्रीमेंट पाए गए हैं। अब ये जो डिसएग्रीमेंट है ये क्या है, कौन से हैं, किस बुनियाद पर हैं, मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बुनियाद पर, एंड द यूज़ ऑफ डेटा डिस्क्राइबिंग द डिस्टेंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है ना। इसके अलावा जो डेटा इस्तेमाल किया गया है एवोल्यूशन रिलेशनशिप को, उसकी इन्वेस्टिगेशन पर और डेटा के ऊपर क्या क्या है, एतराज़ किए गए थे। ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिफरेंसेस 3 contemporary स्कूल्स ऑफ सिस्टमैटिक एग्जिस्ट। 3 मजीद ग्रुप बनाए गए। नंबर 1 जो है वो क्या है, एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स हैं। नंबर 2 क्या है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है। नंबर 3 क्या है, फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स, या इन्हें क्या कहा जाता है, क्लैडिस्टिक भी कहा जाता है। सबसे पहले हम नंबर 1 देख लेते हैं, एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स। दिस आप इसकी कैसे डिफाइन करते हैं, द सिस्टमैटिक्स इन विच द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स आर डेवलप्ड बाय स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ इंसेस्टर्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड एनिमल इज कॉल्ड एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स। द सिस्टमैटिक्स इन विच द एवोल्यूशनरी रिलेशंस आर डेवलप्ड बाय द स्टडी ऑफ फॉसिल, मतलब जो फॉसिल की स्टडी के बुनियाद पर क्या बनाए गए हैं, ग्रुप बनाए गए हैं ऑफ क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स, जो क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स होते हैं इज कॉल्ड एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स कहते हैं। इट्स बेसिक असम्पशन इज द ऑर्गेनिज्म क्लोजली रिलेटेड टू एन इंसेस्टर। अब इसका जो बेसिक मफूज़ है वो क्या है, कि ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने इंसेस्टर के साथ क्लोजली रिलेटेड होता है, बजाय इसके कि जो डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है उनकी नस्बत। एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स इज द ओल्डेस्ट ऑफ 3 अप्रोचेज, ठीक है ना। आप तीनों में से 3 अप्रोचेज बताई गई हैं, कौन कौन सी, मैंने पहले बताई हैं आपको, एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स, इसके अलावा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स। तो इनमें से सबसे जो ओल्ड है वो क्या है, एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स है। इसे इसे एक और दूसरा नाम भी दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा नाम है जिसे क्या कहा जाता है, ट्रेडिशनल अप्रोच, बट इट हैज़ चेंज सिंस द स्टार्ट, लेकिन ये वक्त के साथ साथ चेंज होती रही है। अकॉर्डिंग टू दिस देयर आर 2 टाइप ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, और दीज जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो क्या हैं, कौन कौन सी हैं, होमोलॉगीज एंड एनालॉगीज। और अब हम देख लेते हैं कि होमोलॉगीज और एनालॉगीज क्या होती हैं। तो पहले हम होमोलॉगीज की डिफ़ाइन कर लेते हैं, कैसे डिफ़ाइन करते हैं, दी रिजेंबलेंस दैट रिजल्ट फ्राम अ कामन इंसेस्ट्री इज कॉल्ड होमोलॉगी, ठीक है ना। ऐसी जो मुशाबियत है जो कामन इंसेस्ट्री की वजह से, उसे हम क्या कहते हैं, होमोलॉगीज कहते हैं। ये किसकी बुनियाद पर होती है, असल में होमोलोगस आर्गन की बुनियाद पर होती है। अब होमोलोगस आर्गन कौन से होते हैं, ऐसे आर्गन जो स्ट्रक्चरली क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन फंक्शनली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। होमोलोगस आर्गन आर दोज आर्गन विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर बट परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, उन्हें हम क्या कहते हैं, होमोलोगस आर्गन कहते हैं। यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दी गई है कि जो ह्यूमंस की जो आर्म है और बर्ड्स के जो विंग हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम होता है। ह्यूमन की आर्म और बर्ड्स की जो विंग्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन ये दोनों क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, होमोलोगस आर्गन्स कहा जाता है। और इन करेक्टरिस्टिक्स को क्या कहा जाता है, होमोलॉगीज कहा जाता है। दूसरी जो थर्ड है वो क्या है, एनालॉगीज। अब एनालॉगीज को कैसे डिफाइन करते हैं, दी रिजेंबलेंस दैट रिजल्ट फ्रॉम ऑर्गेनिज्म अडॉप्टिंग अंडर सिमिलर एवोल्यूशनरी प्रेशर आर कॉल्ड एनालॉगीज। सिमिलर एवोल्यूशनरी प्रेशर की वजह से जो क्या आती है, रिजेंबलेंस आती है, उसे हम क्या कहते हैं, एनालॉगीज कहते हैं।
और ये जो एवोल्यूशन होती है इसकी बुनियाद पर इसे हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं, जबकि होमोलोगीज की बुनियाद पर जो एवोल्यूशन होती है उसे क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। अब एनालॉगी जो है एनालॉगस ऑर्गन्स की वजह से होती है। अब हम एनालॉगस ऑर्गन्स को कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे ऑर्गन एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गन विच हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर बट परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस, ठीक है ना। एनालॉगस ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स विच हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर बट परफॉर्मिंग द सिमिलर फंक्शंस। फॉर एग्जांपल के बर्ड्स के विंग्स होते हैं और इंसेक्ट्स के विंग्स होते हैं, दोनों किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, फ्लाइंग के लिए क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जो बर्ड्स के विंग्स हैं और इंसेक्ट्स के विंग्स हैं दोनों का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये क्या होता है, डिफरेंट होता है। उसके बाद हमारे पास है फाइलोजेनेटिक ट्री। अब फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होता है, एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स कैन बी शोन ऑन द फाइलोजेनेटिक ट्री, ठीक है ना। जो एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स है इसे किसकी बुनियाद पर शो किया जाता है, एक एवोल्यूशनरी ट्री की बुनियाद पर शो किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्री कहा जाता है। ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड फाइलोजेनेटिक ट्री। ऑर्गेनिज्म की जो बुनियाद है वो क्या ग्रुपिंग की जाती है फाइलोजेनेटिक ट्री बुनियाद पर कि किस तरह उनकी एवोल्यूशन हुई है, जिसे एक हम ट्री डायग्राम से शो करते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, 10 की करेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सबसे पहले क्या है, अग्नेथन्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कार्टिलेजिनस फिशेस की एवोल्यूशन होती है, उसके बाद रे फेंड फिशेस की एवोल्यूशन होती है, उसके बाद किसकी एवोल्यूशन हुई है, लोब फेंड फिशेस की, उसके बाद फिर एम्फीबियंस इवॉल्व हुए थे, उसके बाद फिर रेप्टाइल से फिर कौन किसकी एवोल्यूशन हुई थी, मैमल्स की। अब ठीक है, कार्टिलेजिनस फिशेस और एग्नेथन्स को किस में ग्रुप में रखा जाता है, गनेथोस्टोमेटा के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद जो रे फेंड फिशेज हैं इनको किसके अंदर रखा जाता है, ऑस्टियोसाइट्स के अंदर। और जो हमारे पास लोब फेंड फिशेज हैं ये सार्कोपटर्जी के अंदर आती है, ठीक है ना। एम्फीबियंस जो हैं वो टेट्रापोड्स होते हैं। रेप्टाइल्स का जो क्लास है वो क्या होता है, एमनियोटा के अंदर रखा जाता है। इस तरह बर्ड्स भी इसी के अंदर आते हैं। उसके बाद फिर मैमल्स आते हैं, तो मैमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लेसेंटल होते हैं, मार्सुपियल्स होते हैं, या क्या होते हैं, मोनोट्रीम्स होते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं, ट्री डायग्राम से इसे दिखाया गया है जिसे हम क्या कहते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्री कहा जाता है। इसकी जो बाकी जो दो ग्रुप हैं, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ एनिमल सिस्टमेटिक न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी और जो है फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक्स, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।